हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आज उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं आपके लिए। आपका सिचुएशन कुछ भी है, आप लोग रीडिंग को देख सकते हैं। और चैनल पे न्यू है गाइस तो सब्सक्राइब करें, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि मेरी आने वाली कोई भी न्यू रीडिंग आपको सबसे पहले मिले। और मुझे इंस्टाग्राम पे मस्ट फॉलो करें। फॉर पर्सनल रीडिंग्स आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा। इंस्टा का जो मेरा आईडी है वो आपको स्क्रीन पे राइट साइड के कॉर्नर पे मेंशन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इंस्टा पे भी मुझे मस्ट फॉलो करें, ओके। सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रीडिंग आपको सबसे पहले मिले, और जब मैं लाइव सेशन करूँ तो क्यू एन ए का तो वो भी आपको सबसे पहले मिल सके उसका नोटिफिकेशन। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोग जिसके लिए भी रीडिंग को देख रहे हैं उस पर्सन पे फोकस करिए। आपका सिचुएशन कुछ भी है, आप लोग रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं आप लोगों के जो पर्सन हैं, जो लवर हैं, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, वो आपके लिए आज कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग्स, क्या करंट इमोशंस हैं आप लोगों के लिए। सो लेट्स सो फर्स्ट है हमारे पास नंबर 4 हार्ट चक्रा। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी तरह से भी। देन हमारे पास 18 शेडो। इस पर्सन का स्टार साइन कैंसर हो सकता है, 18 एज हो सकती है इनकी या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी तरह से आप लोगों के लिए। देन वी हैव नंबर 3 सोलर प्लेक्सस चक्रा। 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन की अपनी एज 34 हो सकती है, 43 हो सकती है, 39 भी हो सकती है। बॉटम ऑफ द नेक है 5। टोटल स्टार साइन हो सकता है विस्टम, यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है। इसकी इनकी अपनी एज 35 हो सकती है, 45 भी हो सकती है। जैसे आपसे ये जो एज है नंबर्स रेजोनेट होंगे आप लोगों ने वैसे लेने हैं, ठीक है। 54 भी एज हो सकती है, 53 भी हो सकती है और 59 भी हो सकती है, ठीक है। सो इस टाइम आप लोगों के पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। इस टाइम आई फील है गाइज इस पर्सन को अपनी गलतियों की रियलाइजेशन हो रही है। इनकी अपनी डार्क साइड क्या है, क्या इस पर्सन ने आप लोगों के साथ बुरा किया, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है अब डीपली देख रहा है, ठीक है। एक इनकी बैड साइड है, एक इनकी गुड साइड है। तो जो बैड साइड है वो इस पर्सन को काफ़ी अच्छे से अपनी समझ आ रही है। जो बातें आपको नहीं कही हैं, जो इमोशंस आप लोगों के लिए महसूस करते हैं और आपको नहीं कह पा रहे, ये उनको अपने अंदर से बाहर निकालना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है इस टाइम थोड़ा सा ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है इनको, लेकिन ये उस चीज़ को निकाल मतलब ये पर्सन उस कॉन्फिडेंस को अपने अंदर लेकर अपनी जो आपके लिए महसूस कर रहे हैं और जो बातें आपको कह नहीं पा रहा, उनको कहने में कंफ्यूज है, उसको ये पर्सन अपने दिल से बाहर निकालना चाहता है। क्योंकि इनके दिल में आप लोगों के लिए जो इमोशंस हैं, जो रोमांटिक लव फीलिंग्स हैं, वो आपको बताने के लिए अभी थोड़ा सा ये पर्सन में कॉन्फिडेंस नहीं है, जो कि ये बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा समझदारी से ये काम ले रहा है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड भी हो सकता है, जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल किए हुए हैं, लेकिन इनकी विश यही है कि ये आपके साथ जो है कनेक्शन में आए। वट एवर ये पर्सन मैरिड है या अनमैरिड है, अगर आप लोग मैरिड भी और ये अनमैरिड हैं तो ये आपके साथ कनेक्शन रखना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि हार्ट चक्रा है इनका, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। ये अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, और यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस से भी ये पर्सन गुजरा है। इसका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है, दैट्स वाई ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा समझदार हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको अपने अंदर जो इनके इमोशंस छुपे हुए हैं उनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप लोगों से, आपको बताना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहा है। चलिए कुछ मज़ीद देखते हैं और क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों के पर्सन की, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं वो करंटली इस टाइम आप लोगों के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड मेरे पास ये आया, सक्सेस। यस, इस पर्सन को सक्सेस चाहिए। आप लोगों के लिए स्टार साइन लियो हो सकता है इस पर्सन का, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर की देखते हैं आप लोगों के साथ कनेक्शन में, ये सक्सेस चाहते हैं। इनको लगता है कि आप लोगों के साथ जब कनेक्शन में आएगा, ये अपने दिल की बात आपको बताएगा, तो इसकी लाइफ में खुद भी काफ़ी ज़्यादा एक सक्सेस मिलेगी इस पर्सन को। इसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, जहाँ से ये पर्सन काफ़ी खुश रह सकेगा अपनी ज़िंदगी में। बट अभी चीज़ें अनक्लियर हैं, आप लोगों को नहीं पता कि ये कैसा महसूस करते हैं, या इन्होंने आपको बताया ही नहीं है। हार्ट चक्रा को ओपन अप करने के लिए इस पर्सन को थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ रही है। शायद आप लोग मैरिड हो, इस वजह से ये पर्सन आपको कुछ बोल नहीं पा रहा, और हो सकता है ये खुद भी मैरिड हो सकता है। देन है पीस। यस, इनको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, बिकॉज आई फील लाइक आप लोग इस पर्सन को गाइस पीस दे रहे हो यहाँ पे।
आपको काफ़ी पीसफुल ये पर्सन देखता है और उसको लगता है सक्सेस भी आप लोगों के साथ कनेक्शन में मिलेगी, वट एवर आप लोग मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो या जो भी हो, उनको लगता है आप लोगों के साथ जब कनेक्शन में आएगा तो उसको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली काफ़ी पीस रहेगा इस पर्सन को। तो अभी इनको समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है, जो कि ये बहुत ज़्यादा लेंगे भी समझदारी से काम। और मुझे काफ़ी हद तक ये पर्सन मेच्योर नज़र आ रहा है, 30, 40 या 50+ इस पर्सन की एज है, बहुत ज़्यादा मुझे मेच्योर नज़र नहीं आ रहा। ओके, ये दो आ रहे हैं। स्वीटनेस, यस डेफिनेटली आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्वीट हो, काफ़ी लविंग हो और ये आप लोगों के साथ जो है आगे रोमांटिक जो है रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। दैट्स वाई काफ़ी ज़्यादा आपको ये पर्सन स्वीट देखते हैं, आप लोग बड़ी जोली, बड़े काइंड से पर्सन हो सकते हो, बहुत लविंग आप हो सकते हो, दैट्स वाई ये चाहते हैं आपको लव करें। एंड गोस्ट हो सकता है, पास्ट में इसने आपको गोस्ट किया हो किसी वजह से, बट अभी आप लोगों के पास वापस आना चाहते हैं। और अगर आपकी कम्युनिकेशन हो भी रही थी ना, तो कम्युनिकेशन होते होते ही एकदम से आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में चले गए हो, ठीक है। तो अभी ये वापस आएगा पर्सन, क्योंकि इसने जो भी आपके साथ किया है, बातें छुपाई हैं, अपने इमोशंस छुपाए हैं, उनको एक्सप्रेस करना है इस पर्सन को, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी, यस ये अपने आप को उस एनर्जी में लेकर आ रहा है ताकि आप लोगों को वो बात बोल सके जो ये महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और हो सकता है कहीं ना कहीं से आप दोनों की अपनी एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट भी कर रही है, तो एनर्जी इस पर्सन की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आप लोगों को लेकर। चलिए अब मैं टैरो से देखूँगी कि क्या फीलिंग हैं आप लोगों के पर्सन की आपके लिए आज, कैसा महसूस कर रहे हैं। बट इन्होंने आपको गोस्ट किया है, कुछ हो सकता है चीज़ें हिडन हैं यहाँ पे, लाइक वही बात आ गई कि इन्होंने भी आपको फीलिंग्स अपनी बताई नहीं है, बिना बताए आप लोगों से ये छोड़ के चले गया है आपको। बट चलिए लेट्स सी, टैरो से देखते हैं आप लोगों के पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। अभी तक मुझे इनका स्टार साइन लियो लग रहा है। पहले मैंने आपको स्टार साइन आई थिंक बताए हैं, कैंसर, टॉरस, लियो एंड कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, अभी तक मुझे एनर्जी आ रही है स्टार साइन की। तो चलिए टैरो से देखते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों के पार्टनर्स, आप लोगों के लवर, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास 3 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, देन वी हैव द लवर्स, यस इस पर्सन की एज 36 हो सकती है, जेमिनी स्टार साइन है यहाँ पर। देन हमारे पास टावर, एरिस स्टार साइन हो सकता है इस पर्सन का, 16 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी तरह से आप लोगों के लिए, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 37 भी इस पर्सन की एज हो सकती है या आप लोगों की एज हो सकती है। देन हमारे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 38 एज हो सकती है इनकी, यस। चलिए मज़ीद कुछ देखते हैं और क्या महसूस कर रहा है आपका पर्सन। 5 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे कनेक्शन ख़त्म हो चुका हुआ है आपका। एस ऑफ वैंड्स, एरिस लियो सैजिटेरियस, देन लास्ट पे हमारे पास डेविल, या 15 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 66 नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कैप्रिकॉन स्टार साइन यहाँ पे मौजूद है, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, टॉप ऑफ द डेक है द मैजिशियन। अच्छा, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली गाइज, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहा है आप लोगों के लिए, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट इनको महसूस हो रही है आप लोगों से बात करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा बेताब है, काफ़ी बेचैन है ये पर्सन, आप लोगों से बात करना चाहता है, बिकॉज डे बाई डे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं आप लोगों की तरफ। और आई फील है कि पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी कुछ लोगों का हो सकता है, बट स्टिल ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इमोशनली अपने आप को अटैचमेंट महसूस कर रहा है, जिसको ये पर्सन बताने के लिए आपके पास आना चाहता है। और थ्रू सोशल मीडिया भी ये पर्सन मतलब लाइक मीडियम यूज़ कर सकता है ये पर्सन सोशल मीडिया का, कोई आपको बताने के लिए कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा काइंड है, काफ़ी जेनरस है, काफ़ी रोमांटिक इस पर्सन की आप लोगों के लिए एनर्जी है, और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट इनका हार्ट है आप लोगों की तरफ, जो ये ओपन अप करना चाहते हैं आप लोगों को लेके। काफ़ी अट्रैक्शन महसूस कर रहा है ये पर्सन और जल्दी से ये बात करना चाहते हैं आप लोगों से, बिल्कुल भी इनसे सब्र नहीं हो रहा, बेचैन ये हो रहे हैं। पहले आप लोगों की कोई फ्रेंडशिप थी इनके साथ तो ख़त्म हो चुकी हुई है, लेकिन अब दोबारा से ये आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, एक गेट टुगेदर करना चाहता है ये पर्सन। और हो सकता है वहाँ पे आपके काफ़ी म्यूचुअल फ्रेंड भी आ सकते हैं, जिनकी हेल्प लेके ये पर्सन आपको दोबारा से अप्रोच कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है जैसे कि इस पर्सन की तरफ से, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो ना, उनकी तरफ से
कोई इन्वॉल्वमेंट है थर्ड पार्टी की जो कि उनको रोक रही है आप लोगों की तरफ आने से, क्योंकि डेविल एंड एट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि ये पर्सन आना चाहता है आप लोगों की तरफ, लेकिन कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जो इनको आप लोगों की तरफ नहीं आने दे रहा, वो लोग नहीं चाहते। शायद आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं दोनों के ऐसे, या इस पर्सन का कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो उसको आपकी तरफ नहीं आने दे रहा, वो इस पर्सन को ट्रैप कर रहे हैं किसी चीज़ में जहाँ से ये पर्सन निकल नहीं पा रहा। शायद आप लोगों की लेकर ये पर्सन उस पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा है या आप लोगों के बारे में नेगेटिव बातें बोल रहा है, जिस वजह से ये पर्सन नहीं आ पा रहा, जबकि ये बहुत ज़्यादा सेक्चुअली अट्रैक्टेड आप लोगों की तरफ हो रहा है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इनको जो है ना लाइक एक फिजिकल इंटीमेसी महसूस हो रही है आप लोगों से कनेक्शन रखने की, लेकिन समबडी इज़ इंटरप्टिंग। ओके, कोई ना कोई यहाँ पे ऐसी चीज़ है या कोई पर्सन है जो आप लोगों को एक नहीं होने देना देखना देखना ही नहीं चाहता वो आप लोगों के, आप दोनों एक दूसरे के साथ हो जाओ। आप लोगों के दोनों के कनेक्शन में कोई ऐसा पर्सन है जो कि ये पर्सन आपको छोड़ दे, आप लोगों का यूनियन ना हो सके, कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है। आप लोग गाइज, आप लोगों को ज़्यादा बेटर पता हो सकता है इसका, लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है अभी तक वो आपका कोई फ्रेंड है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है आप लोगों का, जो कि दोनों का ही फ्रेंड है। ठीक है, वट एवर, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, कोई लेडी हो सकती है, या फिर कोई इस पर्सन की तरफ से कोई पर्सन है जो कि नहीं होने देना चाहता आपका यूनियन। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की कम्युनिकेशन ना हो, आपका आर्ग्यूमेंट रहे, आप एक दूसरे के पास ना आ सको, क्लियर बात ना आपकी किसी तरह से हो सके, जबकि ये पर्सन जो है इसके फेस पे वो तो बहुत अच्छा बनता है कि वो इसकी भलाई के लिए इसको बोल रहा है, लेकिन वो जेलस होते हैं आप लोगों के कनेक्शन से, जबकि ये पर्सन चाहता भी है कि इसको कोई, ये आप लोगों को अप्रोच करना चाहते हैं, ये पर्सन आपका सीरियस है आप लोगों के लिए, लेकिन किसी की वजह से, इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये आप लोगों के पास नहीं आ रहे। ये तो चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप बने, उसके लिए प्लानिंग भी हो रही है, न्यू आइडियाज़ भी ये पर्सन सोचता है, लेकिन जब ये स्टेप लेने का सोचता है, आप लोगों को अप्रोच करने का सोचता है, तब ही ये थर्ड पार्टी जो है ना काम ख़राब करना स्टार्ट कर देती है, इस पर्सन को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो जेलस हो रहे हैं ना, दैट्स वाई वो नहीं आप लोगों को एक होने देना चाहते। लेकिन आई फील लाइक आप लोगों का ये पर्सन फिर भी उस बातों को अपने सर पे सवार नहीं करता, या उन सीरियस नहीं लेता उन बातों को, ये पर्सन ट्रस्ट नहीं कर रहा उस पर्सन पे जो आपके बारे में कुछ ऐसा बोल भी रहा है इसको उल्टा सीधा। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको डेफिनेटली बात करेगा आपसे, 3 to 6 months में मुझे यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं जैसे ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी आपको खोना नहीं चाहते और आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये पर्सन कोई ना कोई ऐसा है जो इसको रोक रहा है, आप लोगों को वो नहीं चाहता कि आप लोग खुश हो या आप लोग इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आके एक हो जाओ, इस पर्सन को वो रोक रहा है, जैसे बंधा हुआ है ये पर्सन। यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी है कि कोई उसको रोक रहा है, ये पर्सन को कैद किया हुआ है उसने, अपनी बातों में कैद किया हुआ है उसको, आगे आपकी तरफ एक्शन लेने से उसको रोका जा रहा है उस पर्सन को, जबकि ये तो चाह रहा है। पहले भी हो सकता है इसी पर्सन की वजह से ये चीज़ें ख़राब हुई आप दोनों के दरमियान, और स्टिल अभी भी देर ट्राइंग कि ये पर्सन आपको अप्रोच ना कर सके, आपकी बात ना हो सके और आपका यूनियन ना हो सके, जबकि ये जो पर्सन है ये आपके साथ कनेक्शन रखना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा काइंड है, काफ़ी लविंग है आप लोगों को लेके, और बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है इस पर्सन की। वट एवर, ये मेल भी है लेकिन इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है आप लोगों को लेके। ठीक है, ये आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन भी करना चाहते हैं, और काफ़ी हद तक ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी देना चाहता है, पास से है आपका डेफिनेटली ये पर्सन, तो काफ़ी पैशनेट है ये पर्सन, ये चाहते हैं कि कोई इनका साथ दे, इनकी हेल्प करे, लेकिन वो हेल्प देने की बजाय इस पर्सन को उल्टा मैनिपुलेट कर रहा है वो पर्सन, जो भी है ये, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 से 3 लोग भी हो सकते हैं जो नहीं देने चाहते, वो चाहते हैं आपका कनेक्शन ख़राब ही रहे, आपको खुश नहीं देखना चाहते, आपसे जेलस होता है वो पर्सन, जिसकी वजह से इस पर्सन को भी वो सही मशवरा नहीं देगा। ठीक है, सो चलिए अब मैं देखूँगी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, किस गाइडेंस को आप लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत है, एंजल्स की तरफ से आपको क्या कहना चाहते हैं एंजल। हमारे पास है रिकवरी, यस, अपने आप को रिकवर करिए गाइस, किसी तरह का भी आपको प्रॉब्लम है कोई, अपने आप को हील करिए, अपने आप को फोकस करिए, जब तक आप अपने खुद सेल्फ डिस्कवरी नहीं करोगे, सेल्फ रिकवरी नहीं करोगे, तब तक आपको बिल्कुल भी लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा। पहले आपका खुश होना, अपनी लाइफ में स्टेबल होना ज़रूरी है बहुत, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यस, कुछ नियर फ्यू वीक्स में ही आप लोगों की लाइफ में चीज़ें बेटर होना स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को ठीक करिए, अपने आप पे जब तक फोकस नहीं करोगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। नॉट द राइट टाइम, अभी टाइम राइट नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा ज़रूर होगा, बट सबसे पहले अपने आप को ठीक करिए, अपने आपकी कोई भी परेशानी या टेंशन है उसको रिलीज़ करें, खुद को हील करें, अपने तमाम चाक्रास को जो है वो बैलेंस करें, मेडिटेशन करें। ठीक है,
ये करिए आप लोग, लेकिन विद इन फ्यू वीक्स में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हो सकता है विद इन 3 to 6 वीक्स में ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट कर ले, क्योंकि आपको डेट करना चाहता है ये पर्सन। तो जो थर्ड पार्टी है वो इस पर्सन को ऐसे बोलती है कि जैसे आप लोगों की लाइफ में कोई और है, आप लोग किसी और को डेट कर रहे हो, ताकि ये पर्सन जो है आप लोगों को बिल्कुल बुरा समझना शुरू कर दे, आप लोगों जो हो इस पर्सन की नज़र से गिर जाओ। लेकिन ये पर्सन फिर भी उन चीज़ों में बिलीव नहीं कर रहा, क्योंकि इस पर्सन को शायद आप लोगों का ज़्यादा बेटर पता है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, आप लोग इस पर्सन से प्यार करते हो, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश जारी रखेंगे। लेकिन आप लोगों ने भी पॉजिटिव रहना है अपनी तरफ से, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।